तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करने का षड्यंत्र, तुष्टिकरण की गंध आती है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने स्पष्ट जीत हासिल की। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। कांग्रेस सरकार ने 10वीं और 12वीं पुस्तकों में 10वीं की सामाजिक विज्ञान और 12वीं की इतिहास की पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास को कलंकित करने का षड्यंत्र किया है। उसमें तथ्यों के आधार पर जो पुस्तकें हमारे समय प्रकाशित हुई, उसमें सरकार ने समीक्षा समिति डॉक्टर BS शर्मा की अध्यक्षता में गठित की और उसने अपनी रिपोर्ट बिना किसी तथ्यों की रिपोर्ट की। उसमें से स्पष्ट है एक वर्ग के तुष्टिकरण की गंध आती है और उन्होंने वामपंथी या फारसी साहित्यकारों और इतिहासकारों के तथ्यों को आधार पे उसमें संशोधन किए हैं। जबकि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने स्पष्ट जीत हासिल की, जिसका वर्णन हल्दी घाटी में भाग लेने वाले चारण कवि द्वारा रचित झूलड़ा महाराणा प्रताप सिंह जी का काव्य उसमें स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ तक अकबर की सेना में भाग लेने वाले इतिहासकार अल बदायूनी की रचना मुक्त खूब उत्तरावरी देख में उल्लेख है इसका। और तो और आगे बढ़ो कि आज शिलालेख भी जहाँ युद्ध के 3 वर्ष बाद थरपीण गांव का शिलालेख आज उसका तथ्य आधारित है। 9 वर्ष के बाद सुरपण खेड़ा गांव में टीकम बावजी मंदिर में उत्तिक शिलालेख में स्पष्ट उल्लेख हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप विजय हुए। यहां तक गोगुंदा में अकबर की सेना युद्ध के बाद खाइयां खोद करके जी रही थी, यह हारने वाले के लिए हो सकता है, जीतने वाले के लिए नहीं हो सकता। और तो और युद्ध के बाद अकबर द्वारा जब मानसिंह और आसिफ खां पहुँचे उससे मिलने से भी इनकार कर दिया, जब कुछ जीत करके आता है उसको तो वहाँ पे सम्मान होता है। ऐसे युद्ध के 43 वर्षों बाद रचित राणा रायो काव्य में भी स्पष्ट उल्लेख है कि हल्दी घाटी में विजय प्रताप की हुई। इवन संस्कृत भाषा के रचित अमर काव्य में भी इसका उल्लेख है। और तो और आज उदयपुर स्थित जो जगजीत जी का मंदिर है उसके सभा मंडप के प्रवेश के स्थान पर 2 श्याम पाषाण के शिलालेख में संस्कृत के 21वें श्लोक में स्पष्ट इसका उल्लेख है। और इतिहास से जुड़े डिंगल गीत में भी इसका उल्लेख है। इतने सारे प्रमाणों के बावजूद यदि हल्दी घाटी में उसको हारा हुआ बताना, यह महाराणा प्रताप के साथ तो अन्याय है ही, लेकिन देश के इन वीर महापुरुषों का भी मुझे सोची समझी उनकी चाल लिखती है। यहाँ तक महाराणा प्रताप के इस वीरता और विजय के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन में वीरों ने इसका उपयोग लिया। यहाँ तक बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा इसी से ली। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के नाम से एक अखबार निकाल करके इस प्रेरणा से प्राप्त करने की समाचार प्रकाशित किए। इन प्रबुद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने भी हल्दी घाटी शीर्षक का खंड काव्य ओजस्वी भाषा और काव्य पाठ किया। उसने स्पष्ट उल्लेख है प्रताप जीते। महात्मा गांधी ने भी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रताप के शौर्य की प्रशंसा की। यहाँ तक वियतनाम के राष्ट्रपति तत्कालीन होचिमिन ने दिल्ली में आकर के अमेरिका पर विजय के लिए प्रताप के शौर्य की उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। इस प्रकार के वीरता के बावजूद इसको हारा हुआ बताना या अनिर्णायक बताना निश्चित रूप से यह इतिहास के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है। और तो और 12वीं की जो इतिहास की पुस्तक है उसमें हल्दी घाटी के बारे में कहा गया कि वहाँ पे 150 महिलाओं ने हाथ में हल्दी लगी थी और युद्ध में सम्मिलित थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार का तथ्यहीन तो है ही,
लेकिन मैं एकदम खुलेआम उसका मजाक उड़ाया गया है। जब हल्दी घाटी का नाम, वहाँ की मिट्टी पहले से हल्दी जैसी रही, युद्ध के पहले भी उसका नाम हल्दी घाटी था, इस प्रकार का इतिहास पढ़ाना, और यहाँ तक कि उसमें हल्दी घाटी के साथ बनवारी को की हत्या का उदय सिंह पर आरोप लगाना, यह स्पष्टतया गलत है और तथ्यों से बहुत दूर है। जबकि महाराणा उदय सिंह जब वहाँ पे पहुँचे चित्तौड़ में, उसके पहले बनवीर जो है वहाँ पे लाखोटा बारी से भाग छूटा। तो इस प्रकार का भ्रमित इतिहास पढ़ाना बच्चों के साथ अन्याय करना है, देश के वीरतापूर्ण इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। और ये शिक्षा मंत्री का कहना कि बोर्ड स्वायत्त संस्था है, मेरा हमारा सरकार का कोई लेना देना नहीं, स्पष्टतया समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार ने किया है, उनके नामों की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है, तो इसलिए उसको अब अपना पल्ला झाड़ना निश्चित रूप से गलत है। तो प्रारंभ से ही कांग्रेस हमेशा वीरों का अपमान करती आई है, इसलिए कई बार मुझे स्पष्ट कहना होता है कि वीरों का अपमान शायद कांग्रेस की पहचान बन चुका है। इस प्रकार के इतिहास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किताबों को, इसके लिए आंदोलन आज इस समय मेवाड़ पूरा आंदोलित है, वहाँ के क्षत्रिय समाज से लेकर के बाकी आम समाज भी उद्वेलित है, और इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन वीरता के इतिहास के साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इसका पूरा आंदोलन की भूमिका हम तैयार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके लिए सारा समाज उद्वेलित है। इसलिए मैं चेतावनी दूंगा कि कांग्रेस सरकार बाज आए, वापस इतिहास को ठीक करते हुए पहले के इतिहास को पढ़ाए, और इस प्रकार का करना यह सरासर हमारे लोकतंत्र की में तथ्यों के आधार पर न करके तथ्यहीन आधारित करना, यह सरासर गलत है, जिसे समाज सहन नहीं करेगा।